क्या करते हो आप? सर मैं गार्ड और ड्राइवर था। चार्टर्ड अकाउंटेंट? जी, सीए में था। मतलब उनके सीए में चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है, सीए किया था आपने? नहीं नहीं सर, हाँ? मैं सिर्फ ड्यूटी करता था, जॉब करता था। गार्ड की? हाँ जी। कहाँ पे? थोकनियाज पे। थोक जी, जी सर। शादी कब हुई? शादी मेरी हो गई है कोई 16 महीने से। 16 महीने? जी सर। 1.5 साल? जी सर। अच्छा, तो कैसे शादी हुई? लव मैरिज? नहीं सर, अरेंज हुई थी। अरेंज मैरिज। कितने बहन भाई हो? सर 3। 3 बहन भाई? मास्क नीचे करो। जी सर। 3 बहन भाई? सही है। तो आप बड़े हो? नहीं सर, सबसे छोटे। सबसे छोटे हो। फिर शादी कैसे हुई? सर घर वालों ने रिश्ता ढूंढा, ठीक है, उन्होंने किसी को बताया, मतलब किसी ने बताया था अबू को, फिर अबू ने वहाँ पे मेरा रिश्ता तय किया, वहाँ से फिर शादी हुई थी बस। अच्छा, रिश्ता तय किया, शादी हो गई। फिर ज़िंदगी कैसी गुजरी शादी के बाद? बस ज़िंदगी गुजर रही थी सर। नहीं बताओ ना थोड़ा सा, अच्छी ज़िंदगी गुजरी, कैसे थे आपके ससुराल वाले, क्या हुआ क्या नहीं? सर जिंदगी समझ नहीं आई थी। क्या नहीं, क्यों नहीं आई समझ, क्या हुआ? सर शादी होगी, उसके बाद वो अपने घर चले गई, ठीक है। क्यों? चिले में चले गई थी। चिले में? बच्चा पैदा हो गया? बेटी के बेटा? बेटा हुआ। अच्छा जी। चिल्ला तो उसके बाद होता है। हाँ जी, तो उसके बाद पैदाइश के बाद जी, जी। बेटा पैदा हुआ। कब हुआ बेटा पैदा? 6 महीने हो गए। 6 महीने पहले बेटा पैदा हो। क्या नाम रखा उसका? हैं? अजान। अजान, माशाल्लाह। अच्छा, फिर? फिर उसके बाद वो नाराज हो गई थी। नाराजगी कैसे हुई? कहते मुझे तंग करते हैं, मैं लेकिन मुझे क्या ज़रूरत है औरत को तंग करना या किसी भी किस्म की बात, मैं नहीं करता था सर, कोई भी नहीं की, लिहाजा उनको ही पता नहीं क्या था मुझसे दावत, मुझे नहीं पता, लिहाजा 2-3 दफ़ा उसके अब्बू और चाचू को भी बुलाया था घर में, ठीक है, फूफो के घर में, और वो कह रहे थे मरमों में भेज देते हैं, मरमों के बाद भेज देते हैं, 10 महीने बाद, दिनों बाद भेज देते हैं, महीने बाद भेज देते हैं सर, लेकिन ऐसी पता नहीं कौन सी बात। क्यों नाराज़ हो के क्यों चली गई? भी पता नहीं सर, ये समझ नहीं आई। हैं? समझ नहीं आई सर। अच्छा, समझ नहीं आई, मतलब लास्ट टाइम लड़ाई कहाँ पे हुई थी? सुना किसी रोड पे आप छोड़ के चले गए थे, गाजी रोड पे? नहीं सर। हाँ, नाराज़ हो गई थी, हम मैं इनके घर ही एक किस्म का पता नहीं छोड़ के गया था, तो अजीब वाक्य है, समझ नहीं आई कुछ। मतलब आप नॉर्मल आदमी हो? जी सर। नशा करते हो भाई? सर नहीं, अब नहीं करता, पहले करते थे। पहले करते थे? क्या करते थे? सर वो कभी कर लेता था। क्या? आइस कर लेते थे। क्या? आइस। आइस जी। अच्छा अच्छा, तो फिर छोड़ दी जी। तब करते थे जब बीवी के साथ लड़ाई हुई? नहीं। हाँ, वो क्या होता है नशा उसका? नहीं सर, छोड़ दिया मुझे। नहीं नहीं, वैसे फीलिंग क्या आती थी जब करते होते थे? कोई फीलिंग नहीं सर। तो उसमें किसी के साथ बदतमीजी भी कर सकता है बंदा? नो सर। नहीं नहीं, वो क्या करता है? वो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि आपको याद ही नहीं है ना कि आपकी बीवी को पता ही नहीं है क्या हुआ, क्यों वो छोड़ के चली गई एक बच्चे की माँ बनने के बाद? जी जी। क्यों छोड़ के जाता है कोई किसी को? सर ये वजह उनको बेहतर पता होगी सर। आपको बताई नहीं कभी उन्होंने? नहीं सर। नहीं, उनके घर वालों ने भी नहीं बताई कि हमारी बेटी क्यों गई है? नहीं। क्या कहते रहे फिर? कहते रहे कि आपका बच्चा पागल है जी, ऐसे है, साइको है, तो हमने नहीं भेजी, आप तलाक दे दो। मैंने कहा तलाक कैसे दे दें, शादी एक दफ़ा होती है, बार बार थोड़ी होती है, आप बात करें बैठ के, नहीं हमें बात नहीं करनी, आप तलाक दे दो, छोड़ दो इसको। अच्छा जी, फिर आपने क्या कहा? मैं जो बीच में बैठाते नहीं थे, मेरी बात ही नहीं सुनते थे, घर वालों के साथ ही करते थे। घर में कौन बात करता था? घर में नहीं, मेरी पप्पो के घर, मेरे अब्बू के साथ या मेरे कज़न के साथ कर ले रहे, पप्पो के साथ बस। जी सर। आपसे क्यों नहीं बात करते? कहते थे बस हमें हमारे सामने उसको ना लेके आना। इतना तंग थे आप? जी। तो फिर कोई हरकत तो की होगी तक? सर देखें, जिन्होंने बसानी होती है वो बसा देते, जिन्होंने ही ना बसानी हो वो नहीं बसाते। अच्छा, वो बसाना नहीं चाहते? नहीं बसाना। क्यों? ये उनको वजह बेहतर पता है या उनके अहल इलाका को पता? चलो ठीक है, वो उन्होंने नहीं मतलब बसाना नहीं चाह रहे थे। फिर कितने अरसा बेगम आपकी अपने घर रही? कहाँ पे घर था बेगम का, आपकी वाइफ का? जी ये इधर धर्मपुर। धर्मपुर में? जी सर। अच्छा, कितनी देर से इधर है? तकरीबन कोई 8-9 महीने।
फोन पे रابता करने की कोशिश किया? जी की है सर। की जी, फिर आगे से धमकी लगा के कि आज के बाद फोन किया तो हमारे से अच्छा कोई नहीं होगा, बुरा कोई नहीं होगा। जी, ये किसने धमकी दी? ये उसके वाले साहब ने। वाले साहब ने दी, ठीक है। ठीक दी के गलत दी? सर गलत दी। गलत दी क्यों? दिमाग के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं मेरा हक है। आपने कैसे फ़ोन करके क्या बात की उनसे? क्यों उससे बात करवा दो। अच्छा अच्छा, वो चली गई नाराज़ हो के आपकी वाइफ घर, ठीक है, और आपने अपनी फुफ्फो की तरफ उन्हें एक दो मरतबा बुलाया। जी जी, तो आप उनके घर क्यों नहीं जा सकते थे? आप उन्होंने मना किया। बड़े क्यों नहीं जा सकते सर? उन्होंने मना किया हमारी तरफ ना आना। वो तो आपको मना किया ना, आपके बड़े तो जा सकते। घर वालों को भी मना किया। अच्छा, तो वो गए ही नहीं इस चक्कर में? उन्होंने फ़ोन करते थे, कहते थे हम आएंगे आपकी तरफ। अच्छा जी, ठीक है, वो आए। लास्ट टाइम कब आए सर? ये नहीं मुझे पता। वजह कत्ल यही है ना, यही सारा मसला है ना? नो नो सर, मैं हम एक मिनट, वो बाद में आएंगे। अच्छा जी, मतलब झगड़ा इसी वजह से शुरू हुआ ना, नाराजगी की वजह से शुरू हुआ ना, कि आप कहते थे मेरी बीवी को भेजो, वो कहते थे नहीं भेजना। नहीं, झगड़ा इस वजह से नहीं हुआ, वो उन्होंने मेरे ऊपर आके मतलब के हमला किया, एक किस्म का धावा बोला था। आपके घर आए थे? नहीं सर, हम यहाँ से गुजर रहे थे और हम रुके थे खाना खाने के लिए। कहाँ से गुजर रहे थे? इधर से, धर्मपुर से, उनके घर के पास से। आपका घर किधर है? हमारा घर इधर है, मार रोड पे। मार रोड? हाँ जी। तो धर्मपुर और मार रोड का बहुत ज़्यादा फर्क सर, हम जोलेपुर वाली साइड पे जा रहे थे दोस्त के मिलने, ठीक है, तो रास्ते में हम सिर्फ खाना खाने के लिए तिक्के के लिए रुके थे सर। उससे कितने दूर है तिक्के वाली दुकान से? थोड़ा सा साथ ही आगे। अच्छा, तो मतलब ससुराल के घर देखा हुआ था ना, वहाँ पे गए भी होंगे बड़ी बार, पता था ना ससुराल का घर सर। लेकिन दावत तो कोई नहीं, ना लड़ाई ना कोई झगड़ा, कोई चक्कर नहीं। नहीं तो चाहते नहीं थे कि बीवी घर आए? आए, मैं तो चाहता हूँ सर। तो मतलब दावत ही थी ना, वो चाहते थे, वो कह रहे थे नहीं आना। पता नहीं, मुझसे बात ही नहीं करते थे, जिक्र ही नहीं करते थे किसी भी किस्म का। अच्छा, फिर उसके बाद लास्ट टाइम मीटिंग कब हुई घर बसाने की? सर वो तो कोशिशें करते रहते थे, घर वालों से कहा था, मोहल्ले में एक हमारे वो मामू ही लगते हैं, उनको कहा था, उन्होंने, उनके चाचू हैं ऑफिस में ही होते हैं उनके, ठीक है, उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था हमारा घरेलू मसला, आप बीच में ना आए। कब की बात है ये? कोई महीने की या महीने की बात हो, महीने पहले की बात। उसके बाद कोई रابطہ नहीं हुआ? उन्होंने सख्ती से मना किया कि हमारे ग्रिल। फिर क्या सोचा आपने उसके बाद? मैंने फिर इंतजार किया। उन्होंने खुला भी नहीं लिया अदालत से? नहीं सर, किसी किस्म की ऐसी भी नहीं? नो सर। तो आपको क्या, फिर क्या था दिल में कि आ जाएगी? आ जाएगी सर। कब? जब उनको लगेगा, जब वो चाहेंगे, वो जो सोचते हैं वो कर लें, जो भी करना चाहते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। फोन करना छोड़ दिया था सर? किसको करें फोन? सर को, किसी को? हाँ, उन्होंने धमकी लगाई थी ना कि हम, हमारे से बुरा कोई नहीं होगा, मत करना। हाँ जी, डर गए थे? जी सर। डर जाते हो सर? डरना तो चाहिए, लेकिन एक इज्जत होती है, मैं बड़ों की इज्जत करता हूँ। हाँ जी, ठीक है, तो उन्होंने धमकी लगाई तो मैं चुप कर गया, फिर दोबारा उसके वाइफ को कभी फोन नहीं किया? उससे वहाँ फोन नहीं है, फोन ही नहीं है। अच्छा चलो, ठीक है, बाकी वाइफ ठीक है? हाँ जी। उसके घर वाले भी ठीक है, अच्छे लोग हैं सर? अच्छे होते तो आज मेरे साथ मेरी बेगम होती। अच्छा, अच्छे नहीं है? देखें सर, अच्छे होते तो मेरे साथ मेरी बेगम होती सर। कौन चाहता है माँ बाप के उसकी बेगम अपने घर में ना रहे? तो अगर कोई बंदा अपनी बीवी को तंग करता हो, जो कहते हो कि हम शक्ल नहीं देखना चाहते, तो बगैर वजह के लोग शक्ल नहीं देखना चाहते सर? मैं इसकी, अगर वो ऐसी बातें करते हैं, हमारा निकाह मस्जिद में बैठ के बताया जी, मुझे जी, मैं तो उनसे मिला। हाँ, वो मुझे ऐसे कहते हैं। हाँ, तो वो क्यों कहते हैं? वही तो, वही तो वजह। ये ऐसे जो हैं, ठीक है आपकी बात, ये बात हलफ भी होती है, ये अपने चैत में होती है सर। अब आओ उस मामले की तरफ। जी सर, क्या हुआ था 16 जनवरी की रात को? सर हम, मैं और मेरा दोस्त, हम जा रहे थे दोस्त की तरफ चोरीपुर, ठीक है, रस्ते में हमने कहा चले तिक्के खा लें, ठीक है, हम तिक्के खाने के लिए रुके हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं। उसके बाद मेरा एक साला आया है छोटा, उसने देखा हमें, देख के तो चला गया। उस चौक में खा रहे हो जहाँ पे उनका घर है? सर देखें, और तिक्के कहीं से नहीं मिलते सर? हर जगह से मिलते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, तिक्के खा रहे हो? ओके, तो सर खा रहे हैं, वो देख के गया है, ठीक है, देख के गया, फिर आगे से उसने ना लड़के भेज दिए मोहल्ले से, ना कोई 8-10 लड़के भेज दिए। उसके बाद हम उधर खड़े हैं, हमें गुड़ियाँ डालने लगे हैं, फिर वो भी आ गया। उसके बाद फिर बड़ा भाई आ गया उसका, फिर उससे बड़ा वाला आ गया, फिर उसके अबू भी आ गए हैं। कहते पहले मुझे प्यार से बात की मेरे साथ,
क्या हालत है, ये ठीक हो? मैं कहा जी शुक्र है अल्लाह का ठीक। किसने? उस हसन ने, मक्तूल ने। अच्छा, तो मैं कहा शुक्र है अल्लाह का ठीक है, और कैसी थी? मैं कहा ठीक है। मैं कहा मेरी बेगम की सुनाओ, ठीक है वो? हाँ शुक्र है अल्लाह का। मैं कहा और चलो अब आप इधर से निकल जाओ, वरना वरना आपको मारूंगा। मैं कहा क्या हुआ भाई? कहता बस आप चाहो, आपको कह दिया ना निकल जाओ, आपके साथ अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा चलें, चलिए के चले जाते हैं। मैं पैसे देने को, कहना पैसे नहीं देने, वे पैसे नहीं लेने, धमकी लगाने लग गए। फिर उसके बाद हम उधर, मैंने कहा यार ये क्या माजरा? कहते हम खून खराब ऐसे करेंगे कि तुझे पता चल जाएगा। तो उसके बाद वो फिर सर उन्होंने पीछे खड़े थे मेरे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए थे, इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने फिर थप्पड़ थप्पड़ मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। क्यों? एवं कहते तू पैसे दे रहे हैं, तेनों क्या नस जा, मतलब कि धमकियाँ जी वो गरीब सी लगा रहे थे मुझे उसके वाले साहब भी। तो मैं फिर सर डर गया मैं, हम निकल नहीं लगे थे कि पीछे से उसने मुझे चपेरे मारने लगी, मेरा कान का पर्दा फाड़ दिया। तो फट गया पर्दा? जी सर। क्या आवाज़ें आ रही थी पर्दा फटने के बाद? सर मुझे सुनाई नहीं दिया। नहीं शां शां कोई ऐसी बात नहीं। पर्दा कैसे पता लगा फट गया? सर वो बात विदेश से सुनाई सुनाई देना बंद हो गया। अच्छा फिर? फिर सर मैं भागने लगा, कहता इसके पास पिस्टल भी है, वो पिस्टल को मेरे हाथ डालने लगे हैं, ठीक है। तो मैंने निकाल लिया उसको, पकड़ लिया अपने हाथ में, मैंने ऐसे पकड़ा हाथ में डराने के लिए, तो उन्होंने मुझे जफ्फा डाल लिया, जफ्फा डाल के मुझे गिरा दिए। गिराने के बाद उन्होंने मेरे ऊपर चढ़ गए हैं, फिर वो टीगर पे हाथ था मुझसे छीनते रहे, छीनने छिनाने में ये फाइट चले। अच्छा जी, छीनने छिनाने में? जी सर। ठीक है, मतलब जालम लोग हैं। फिर फायर चले, फिर क्या हुआ? मुझे नहीं पता किसको लगा, कैसे लगा, वल्ला आलम। पुलिस आई है, फिर ये फिर भाई गया था भाग के जान बचा के। क्या होता है मतलब गजनी हो आप कोई? वो जो फिल्म आई थी वो भूल जाता है अपने जिस्म पे लिखता है, इंडिया की एक फिल्म थी। नहीं सर, आप सारे किस्से ऐसे ही सुना रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, बीवी कैसे चली गई कुछ पता नहीं, उनको इख्तलाफ क्या है कुछ पता नहीं। जी आप तिक्के खाने आ गए अपने ससुराल के घर के बाहर, जी ठीक है, वो भी आपको कुछ पता नहीं, वहाँ पे गोली चल गई वो भी कुछ पता नहीं, फिर पुलिस आ गई। मतलब कोई बंदा आ जाता है, कोई शख्सियत आ जाती है, कोई जादू हुआ हुआ है, क्या है? नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है सर। होशोबाज कायम है पूरे? जी सर। घर वालों पता है कितने घर वाले हैं आपके, कितने लोग, कितने बहन भाई हैं? तीन बताया था। हाँ जी तीन। कितने नंबर पे हो आप? मैं आखिरी हूँ, मैं छोटा हूँ सबसे। सबसे छोटे? बड़ा भाई है? जी जी। वो क्या करता है? वो शॉप पे होता था अपनी दुकान। क्या नाम है उसका? उसका नाम डज है। और वाले साहब का आपके? जी। क्या नाम है उनका? नाम अशरफ। अशरफ जी जी। तो ये सब कुछ पता है, जानते हो? बेटे का नाम अजान है। जी जी। कितनी साल उम्र है उसकी? होगी सर 6 महीने। 6 माह का बच्चा है? जी जी। मतलब ये सब पता है? जी जी। ये जो इतना बड़ा वाकया हो गया, कत्ल की वारदात कर दी, वो नहीं पता आपको? सर ऐसी हुई है। क्या मतलब अंधे हो गए थे, क्या हुआ था? कोई आदमी अंदर जादूगर आ गया था? सर नहीं, जिन आ गया। छीनने छिनाने में मुझे नीचे गिराया, वो मेरे आगे बैठ गए हैं, कुछ ऊपर बैठ गए हैं, मुझे लटाया हुआ था, नीचे गिराया हुआ था जमीन के ऊपर। अच्छा जी सर। ठीक है, तो हसन कत्ल हो गया पता है सर? ये पता है कि नहीं सर? ये मुझे बताया गया है, पता भी है, उन्होंने कहा भी है, लेकिन मुझे बिलीव नहीं होता क्योंकि मुझे यकीन नहीं होता। जी क्योंकि देखे सर वो चलते चलाते ऊपर चढ़े हुए, तो ये कैसे मतलब माजरा हो गया मुझसे, मुझे समझ ये नहीं आई, क्योंकि सर मेरे ऊपर थे सारे। अच्छा, मुझे गिराया हुआ था नीचे जमीन, मतलब ऊपर पूरा लेंटर बनाया हुआ था उन्होंने, ऊपर आ गए थे सर। ये देखें, ये दांतों के निशान मुझे चक्की काटी हुई हैं इस साइड पे भी, मेरी टांगों पे भी, ठीक है, मेरे पीछे भी सर। क्या हुआ अब ये जो भी हुआ? जी सर। आपको नहीं पता क्या हुआ? नहीं सर पता है मुझे, ज्यादती हुई है मेरे साथ सर। आपके साथ ज्यादती हुई? जी सर। आपके साथ ज्यादती हुई? जी। बेशरम आदमी है, आपने एक बंदे को कत्ल कर दिया है और आप कह रहे हैं आपके साथ ज्यादती हुई? मुझे उस चीज का ना बहुत अफसोस भी है। मैं मुसलमान हूँ, मैं नहीं चाहता था, ना मैंने सोचा था, ना मैंने कभी समझा था कि ऐसा होगा। तो अब हो गया, फिर मुझे अपनी बात के ऊपर शर्मिंदगी भी है, ठीक है सर। हाँ, और तो आप कह रहे हैं मैं खौफे खुदा सर मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। ये कहाँ का मैं कह रहा हूँ, मैं आपका बनोई हूँ, मैं अबूजी अबूजी कह रहा हूँ,
मेरी कोई सुन नहीं रहे हैं और मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। फिर कत्ल करना बनता था? नहीं सर, मैं फिर भी नहीं करना चाहता था, मैंने नहीं किया सर। वो मुझे गिरा के वो ऊपर बैठ गए सर, मुझसे पिस्टल छीने, मुझे मारने लगे थे सर।